देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत के नागरिकों ने एक बार फिर एकता और एकजुटता का परिचय देते हुए सारी लाइटें बंद कर मोमबत्ती और दीप जलाए। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच स्थित अपने आवास पर कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने भी दीप जलाए और क्या कुछ कहा सुने। वहीं बहराइच के नागरिकों ने क्या कुछ कहा इस अवसर पर वो भी सुने उन्हीं की जुबानी। जैसा कि सर 22 तारीख को भी शाम 5 बजे थाली ताली और घंटी बजाई गई थी और इस बार दीप और मोमबत्ती जलाई गई, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए दोनों में एक अंतर है, वो था उन सेनानियों के लिए जो कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए वो लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उन सब के लिए था, उनकी सहानुभूति में था। और ये उन गरीबों की एकता के लिए है जो अकेला अपने को अनुभव कर रहे हों, वो अकेला ना अनुभव करें, ये माने कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। क्या संदेश होगा सर आपका? पूरा देश एक साथ खड़ा है, इस महामारी से लड़ने का एक ही उपाय है कि हम सब संयम से एक साथ खड़े हों, अपनी दूरी बनाकर रखें, घर के अंदर रहें, मुंह पर कपड़ा लगा के चलें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक सोनी और दाऊ जी। आज आप लोगों ने मोमबत्ती दिया जलाए हैं, क्या कारण है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि 9 बजे रात्रि से हम 9 दिए जला करके 9 मिनट तक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये जो दीप जले हैं इनका एक विशेष कारण है। इसी आधार पर उन्होंने हम लोगों से ये आह्वान किया था और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि देश के प्रति हम जवाबदेह हों। उसी आधार पर आज सभी ने 900 दिए, 90 दिए, 100 दिए, जिनके पास जो भी व्यवस्था थी उस आधार पर जलाया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस खान। आज जो मोमबत्ती और दिया जलाई गई है क्या कारण है इसका सर? ये माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा आवाहन किए जाने पे हिंदू मुस्लिम की एकता, एकता में अनेकता का मिसाल देते हुए हमारे जनपद बहराइच की जनता ने उनका स्वागत किया है और हर गरीब जनता का मनोबल दीप जलाकर स्वागत किया है।